नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि यहां पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डील करने वाला हूं। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक संबंधित एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है या फिर निगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है या फिर पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इसकी जानकारी और इसका एक्सपेरिमेंट हमने बताया वहां पर। और आज हम लोग यहाँ डील, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे जाकर देख ले, एक ही वीडियो है अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इसके बाद ये नया वीडियो डलाएगा तो आप देखेंगे उसको, तो उसको बेसिक जानकारी आपको चार्ज से संबंधित मिल जाएगी, तो इसे समझने में आसानी होगी। और यहाँ पर आप देखिए जो टॉपिक मैंने हेडिंग दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके आगे एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डील करने वाले हैं हम लोग यहाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिख दिए हैं तो आप इसे समझने की कोशिश करें, और कॉपी पेन ले लीजिए तो आप नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं ये डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे है हम लोग, जैसे एक अगर हम लोग यहाँ पर एक मैग्नेट ले ली भैया, एक मैग्नेट है ये हमारा और यहाँ पर आप एक लोहे की कील रखेंगे तो हो सकता है कि ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट ना कर सके, तो आप इसको नजदीक लेकर जाइए, इसको नजदीक लेकर जाइए, अगर यहाँ से अट्रैक्ट करने लगा तो आप कर सकते हैं भैया ये मैग्नेट का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस मैग्नेट का यहाँ तक अगर अट्रैक्शन दिख रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ चर्चा आपको हम बता रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है, जैसा कि डेफिनेशन आप देखिए, इस डेफिनेशन में द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज अप टू विच द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज अप टू विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस, द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज अप टू विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर फैला हुआ वह स्पेस जहां तक वह पॉइंट चार्ज दूसरे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जब फोर्स लगाएगा, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वह पूरा का पूरा स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। फिर से एक बार समझिए, किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसके अंदर में कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, क्लियर है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगला टॉपिक है हमारा, जिसे हम लोग वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिफाइन किया गया है इस रूप में, जैसे कि एक फिगर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक क्यू टेस्ट चार्ज है, सॉरी सोर्स चार्ज रखा गया है, क्यू को सोर्स चार्ज हम लोग लेंगे और क्यू नोट को यहाँ पर टेस्ट चार्ज दिया गया। ये क्यू इसके रीजन में है, मतलब कि ये जो हम लोग यहाँ सर्किल बनाए हैं, सर्किल नहीं है ये, थ्री डायमेंशनल होगा। ये थ्री डायमेंशनल मतलब कि ये बोर्ड पर सर्किल जैसा दिख रहा है, थ्री डायमेंशनल एज लाइक ए फुटबॉल, और सेंटर पर हमारा चार्ज है क्यू, तो ये इस क्यू नोट पर मतलब यह कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है। अब डेफिनेशन देखिए आप, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स, यही है इलेक्ट्रिक फोर्स जो यह पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर लगाने वाला है। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर या पॉइंट चार्ज जो फोर्स लगाने वाला है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई। आप इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट यहां पर देखिए, लेट क्यू बी द सोर्स चार्ज, ये क्यू जो है हमारा ये है आपका सोर्स चार्ज, और ये जो है यह हमारा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी ये है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इसका मैग्नीट्यूड काफी अधिक होता है, काफी अधिक, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी अधिक और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी लो, वेरी लो। तो लेट क्यू बी द सोर्स चार्ज एंड क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज एंड एफ बी द फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। अब इस क्यू के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वह क्या है, एफ है। देन फ्रॉम डेफिनेशन कहता है द पर यूनिट फोर्स, द फोर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। ओके, देखिए अगर यहां पर यह इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो कितने का है, 10 न्यूटन का और इसका वैल्यू अगर 2 कूलम है, Q0 का वैल्यू अगर 2 कूलम है, तो आप यहां पर इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो आएगा 2 से आप काट दे इसको 5 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर इसका ऐसा यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम आप लिख सकते हैं इन सीन वर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम, जिसे आप लिख सकते हैं इन सीन वर्स। अब देखिए इसका डायमेंशन अगर, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ML3/2 और चार्ज का होता है AT। आप यहां से ML को छोड़ दें और T को ऊपर लेकर जाएं, T का पावर -3 हो जाएगा, A को भी ऊपर लेकर जाएं, A का पावर -1 हो जाएगा। यह है इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम और यह है इसका डायमेंशन ML3/3 इनवर्स और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए, दिख रहा है आपके, हाँ दिख रहा है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नीट्यूड तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, फोर्स को आप चार से Q0 से डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर इस चार्ज को आप यहां पर रिमूव कर दें तो ये इसको इधर की ओर रिपेल करने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। अगर आप इसको यहां पर रख दें तो इधर की ओर होगा, तो जिधर फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, जो ये सोर्स चार्ज हमारा इस टेस्ट चार्ज को जिधर की ओर रिपेल या अट्रैक्ट करने वाला है उधर की ओर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होंगे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक मिनट के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया कि द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज अप टू विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और हाँ, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा डेफिनेशन देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे आप वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किए हैं, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किसी सोर्स चार्ज के कारण केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इसे हम लोग वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। It is denoted by vector E. Let Q be the source charge and Q0 be the test charge and F be the force on Q0 due to Q. अगर Q source charge है, Q0 point charge है, test charge है और F जो है force है, then E equal to F by Q0 हो जाएगा। Intensity equal to force by test charge. अब यहां से आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन बाय कूलम यानी कि न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन निकाल सकते हैं ML 10^3 इनवर्स। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं, हमें एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पर। अब यहां से हम लोग को जो देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद, ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण हमें इंटेंसिटी बताना है कि कितना होगा। इसके लिए हमने एक फिगर बनाया है कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ये एयर या वैक्यूम में रखा गया है, ये पॉइंट चार्ज क्यू है और इससे r डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट लिया और इस p पॉइंट पर हमें इस चार्ज का इंटेंसिटी बताना है कि कितना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करना यह है कि आप एक टेस्ट चार्ज यहां पर रख दीजिए, एक टेस्ट चार्ज हमने Q0 यहां पर रख दिया। अब यह क्या करेगा, इसको एक फोर्स लगाएगा। फोर्स का वैल्यू आप कूलम्स लॉ से दे सकते हैं,
या जो फोर्स लगने वाला है स्टेट चार्ज पर इस पॉइंट चार्ज के कारण वह 1/4πε0Q1Q2R2। ये कूलम्स लॉ है, दो चार्ज के बीच फोर्स जो लगता है उसके मैग्नीट्यूड के लिए कूलम्स ने एक लॉ दिया जिसे हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड F=1/4πε0Q1Q2R2 से दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर इन दो चार्ज के बीच हमें फोर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि F=1/4πε0 फर्स्ट चार्ज हमारा क्यू है, सेकेंड चार्ज हमारा क्यू नॉट है और डिस्टेंस यहाँ से हमने ले लिया कितना R2। अब हमारा डेफिनेशन कहता है, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन कहता है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, आप ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं 1/4πε0Q0R2, इसको डिवाइड कर दीजिए क्यू नॉट से तो ये Q0 को कैंसिल कर देगा और आपको फाइनली मिलने वाला है E=1/4πε0Q/R2। और यही है एक पॉइंट चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, एक पॉइंट चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू E=1/4πε0Q/R2। जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहाँ पर आप इसका वैल्यू पुट करेंगे E=9×10⁻⁹ इसका वैल्यू होता है Q/R2। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता होगी तो आप लिख सकते हैं हाँ। तो देख रहे थे हम लोग इसमें लैंग्वेज आप किस तरह से लिखेंगे, सपोज देयर इज पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट इन एयर और वैक्यूम एंड P बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। ओके, वी हैव टू पुट ए टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट P एंड नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q ऑन द टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय F=1/4πε0Q×Q0R2। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन हमें यह कहता है कि E=F/Q0 होता है, तो आप यहाँ से E=1/4πε0 ये फोर्स जो आपने निकाल रखा है 1/4πε0Q/Q0R2 इसको आप Q0 से डिवाइड कर दें तो Q0 से Q0 कट जाएगा और यहाँ पर आपको 1/4πε0Q/R2 मिलने वाला है। ये आपको हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू और ये एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू 9×10⁹ और Q/R2 हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, आप दो पॉइंट इसमें नोट कर सकते हैं कि अगर हमारा ये पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। ये जो टेस्ट चार्ज हम लोग ज्यादातर केस में 99% केस में हम लोग टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव वैल्यू का लेते हैं, तो ये जब पॉजिटिव ही है तो डिपेंड कर गया इसके पॉजिटिव या निगेटिव होने पर। अगर ये पॉजिटिव आपने लिया है तो यह इसको रिपेल करने वाला है, अगर इसको आप निगेटिव ले लिए इस पॉइंट चार्ज को निगेटिव ले लिए तो यह इसको अट्रैक्ट करने वाला है। और इससे पहले हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन पर निर्भर करता है, तो आप कह सकते हैं कि यह इस पे फोर्स लगाएगा जब पॉजिटिव तो रिपेल करेगा मतलब आउटवर्ड और जब यह निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा मतलब इनवर्ड। मतलब इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन इसके नेचर पर डिपेंड करने वाला है, अगर यह पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा, अगर यह निगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, अगर आप डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट रखें, और इंटेंसिटी जो है डिस्टेंस के 1/r² के कॉन्स्टेंट है। यहां पर आप एक दो ग्राफ बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। यहाँ देखिए हमने ग्राफ को समझाने की कोशिश किया है, हमने तीन ग्राफ यहाँ पर बनाए हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से संबंधित। हमारा जो रिलेशन था अभी वह यह था कि E जो है 1/4πε0Q/R2, इसी को आप K भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 को हटाकर आप K लिख सकते हैं।
यानी कि E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीन ग्राफ हमने बनाने की कोशिश की है। फर्स्ट जो ग्राफ है वह है इंटेंसिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। ये ग्राफ आपको इस तरह से होगा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी का वैल्यू घटते जाएगा, नेग्लिजिबल की ओर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस, क्योंकि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में भी है और स्क्वायर में भी है, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इस इंटेंसिटी का वैल्यू घटते जाएगा। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। इधर देखिए आप, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के साथ इंटेंसिटी का रिलेशन है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज का वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी का वैल्यू भी घटता है, चार्ज का वैल्यू अगर घटाते हैं तो इंटेंसिटी का वैल्यू भी घटता है। तो इसके लिए हम लोग लीनियर ग्राफ शो करते हैं। यहाँ पर देखें ये इस तरह का ग्राफ जो प्रोपोर्शनल के साइन, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आता है, इसको आप क्यू अगर बढ़ रहा है, यहां से क्यू का वैल्यू देखिए, क्यू का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ आप देखें ये अगर पूरा 1/r² को, पूरा 1/r² को आप एक ही चीज ले, एक ही क्वांटिटी ले, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के साथ। यहां पर जैसे कि r² इस वाले में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², बट इस वाले में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r². आप 1/r² को एक क्वांटिटी ले तो यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यह, और इसका भी ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर तीन ग्राफ देख सकते हैं, ये इंटेंसिटी वर्सेस आर स्क्वायर का, ये इंटेंसिटी वर्सेस चार्ज का, ये इंटेंसिटी वर्सेस 1/r² का, और पहले वाले का ग्राफ यह है, दूसरे वाले का ग्राफ यह है, तीसरे वाले का ग्राफ यह है। तो इस तरह से आप इसको, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा कूलम्स लॉ को लेकर, हम आते हैं, और पहले हालांकि हमें कूलम्स लॉ ही डालना चाहिए था, कोई बात नहीं है, उसको हम लोग कल अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना। तो इसके आप वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।